फ्रेंड्स वेलकम बैक टू फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जे एंड के पंचायती राज एक्ट 1989 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नंबर ऑफ टाइम्स प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो प्ले में जाके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर वन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत पंचायती राज एक्ट 1989 की कौन सी सेक्शन है जो कि डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत से ऑप्शंस हैं आपके पास सेक्शन 14 सेक्शन 30 सेक्शन 24 सेक्शन 4 तो कौन सी सेक्शन है जो कि डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी सेक्शन फोर क्वेश्चन नंबर टू इन व्हिच ईयर द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर वन वाज प्रोमोगेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर बताना है कौन से ईयर में हुआ है ये ऑप्शंस 1935 1945 1936 1921 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1935 में हुआ है सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड फॉर ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कौन सा एक्ट है बताना है ऑप्शन सेवनटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू सेवनटी एट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी फाइव सेवनटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन्टी फोर या फिर सिक्सटी एट्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन्टी वन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड नाइन टू क्वेश्चन थर्ड अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ अयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट बताना है ये जो अमेंडमेंट एक्ट है प्रोवाइड करता है कितने टायर्ड सिस्टम ऑफ पंचायती राज हर एक स्टेट में ऑप्शंस थ्री फाइव फोर या फिर टेन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट क्वेश्चन नंबर फाइव डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ फंक्शन पंचायत तो बताना है कौन सा चैप्टर है जे एंड के पंचायती राज एक्ट का जो कि डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत ऑप्शंस हैं चैप्टर सिक्स चैप्टर थ्री चैप्टर Chapter 12, chapter 8. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर दैट इज चैप्टर थ्री जो है वो डील करता है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच चैनल चैनल नहीं आएगा यहाँ पे चैप्टर आएगा विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन डील्स विद द कांस्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बताना है बी डी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बी डी सी से कौन सा चैप्टर है जो एंड के पंचायती राज का जो की डील करता है ऑप्शन चैप्टर फाइव चैप्टर टू चैप्टर सिक्स चैप्टर फोर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी चैप्टर सिक्स बताना है chapter five है जो JNK राज एक्ट 1989 का वो किससे डील करता है ऑप्शन प्रॉपर्टी पावर एंड फंक्शन कंडक्ट ऑफ बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत तो क्या है इसका करेक्ट आंसर दैट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस चैप्टर फाइव ऑफ जे एंड के पंचायती राज एक्ट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट इन विच ईयर द पंचायत एक्ट एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज वॉज इनैक्टेड कौन से ईयर में इनैक्टेड किया गया है ऑप्शन टू थाउजेंड टू नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइनटीन नाइनटी सिक्स

हल्का पंचायत फंड प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत इंपोजिशन ऑफ टैक्सीज ऑन फीस पॉर्स एंड फंड्स तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए दैट इज हल्का पंचायत फंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन अंडर जे पंचायती राज एक्ट

क्वेश्चन नंबर द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट प्रोवाइड्स अ थ्री मॉडल पास्ड फॉर द फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम इन कब पास हुआ तो करेक्ट आंसर क्या है इसका क्वेश्चन नंबर सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत कौन सी सेक्शन है जे एंड के पंचायती राज एक्ट 1989 की जो कि डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत ऑप्शन सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन फोर आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है करेक्ट आंसर है इसका सेक्शन फोर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हु इज नाउन एज हल्का मजलिस हल्का मजलिस किसे कहा जाता है वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत चेयरमैन ऑफ हल्का पंचायत या फिर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए वोटर्स जो होते हैं हल्का पंचायत के उन्हें हल्का मजलिस कहा जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर इफ ड्यू टू एनी रीजन द हल्का पंचायत इज डिजोल्ड बिफोर इट पीरियड ऑफ एक्सपायरिशन देन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ बताना है अगर किसी रीजन से हल्का पंचायत जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही डिजॉल्व हो जाती है तो जो इलेक्शंस हैं उसके लिए वो कितने टाइम पीरियड के अंदर वो कराए जाते हैं बताना है ऑप्शन है वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ एट मंथ तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी हेल्ड ऑफ सिक्स क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी मीटिंग्स आर हेल्ड बाय हल्का पंचायत इन अ मंथ एक महीने में हल्का पंचायत द्वारा कितनी मीटिंग्स कराई जाती हैं ऑप्शन ए एट लिस्ट वन बी टू मीटिंग्स सी थ्री मीटिंग्स डी नन ऑफ डीज तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन एट लीस्ट वन मीटिंग जो है इन अ मंथ होनी चाहिए सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द डिस्कालीफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत कौन सी सेक्शन डील करती है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत ऑप्शन सेक्शन थ्री सेक्शन फोर सेक्शन फाइव सेक्शन सिक्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी सेक्शन सिक्स डील करती है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बाय हल्का पंचायत इन जे एंड के बताना है कौन से फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैं जो कि हल्का पंचायत द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं इन जे एंड के ऑप्शन है ओबाइटी एलिविएशन प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम

क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेंचिज हल्का पंचायत में कितने पेंचिज होते हैं ऑप्शन मोर देन सेवन लेस देन इलेवन नॉट लेस देन सेवन नॉट मोर देन इलेवन मोर देन सेवन एंड लेस देन इलेवन तो कितने होते हैं ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर नॉट लेस देन सेवन एंड नॉट मोर देन इलेवन सात से कम नहीं होने चाहिए और ग्यारह से ज्यादा नहीं होने चाहिए सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज इलेक्टेड वाई द हल्का पंचायत का जो सरपंच है किसके द्वारा इलेक्ट होता है ऑप्शंस नैब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत पेंचिस ऑफ हल्का पंचायत इलेक्टोरेट या फिर ऑल ऑफ दीज तो कौन करता है इसे इलेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इलेक्टोरेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सरपंच द नैब सरपंच एंड पेंचिस आर इनका टाइम पीरियड कितना होता है ऑफिस का सरपंच नैफ सरपंच और पेंचेस का कितने साल का होता है ऑप्शन फोर ईयर्स फाइव ईयर्स या फिर सेवन ईयर्स तो करेक्ट आंसर है ऑफिस का सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन डील्स विद द रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नैब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी सेक्शन है जे के पंचायती राज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन की जो कि डील करती है रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नेव सरपंच ऑफ हल्का पंचायत ऑप्शंस हैं सेक्शन फाइव सेक्शन सिक्स सेक्शन सेवन सेक्शन एट तो ऐसी कौन सी सेक्शन है वो है सेक्शन सेवन जो कि डील करती है रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नेव सरपंच ऑफ हल्का पंचायत क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच सेक्शन ऑफ जे पंचायती राज एक्ट नाइनटीन डील्स विद द फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नैफ सरपंच ऑफ़ पंचायत बताना है कौन सी सेक्शन है जे एंड के पंचायती राज एक्ट की जो कि डील करती है फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नैफ सरपंच ऑप्शन है सेक्शन नाइनटीन सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सेक्शन थर्टी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन ट्वेंटी फाइव डील करती है सरपंच क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज डिस्क्राइब्ड इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन इन इट्स सेक्शन नंबर कौन सी सेक्शन में डिस्क्राइब है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बीडीसी बताना है ऑप्शंस थर्टी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी फाइव तो कौन सी सेक्शन में है ये ये है सेक्शन थर्टी सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हु इज द सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर दे एंड के पंचायती राज एक्ट नाइन बताना है कौन है सेक्रेटरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी जो है वो कौन होता है एज पर जे एंड के पंचायती राज एक्ट ऑप्शन है चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑल ऑफ द अबव तो कौन होगा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑप्शन of of सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज अब बताना है चेयरमैन ऑफ बी डी सी जो है उसके टर्म ऑफ ऑफिस कितने ईयर्स है ऑप्शन थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स करेक्ट आंसर क्या है इसका फाइव ईयर्स ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टी द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चेयरमैन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हाउ मेनी मेंबर्स इन पंचायती अदालत आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जेएनके बताना है कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं पंचायती अदालत में 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स 5 या फिर 6 मेंबर्स करेक्ट आंसर है इसका फाइव मेंबर्स ऑप्शन सी द टर्म पीरियड ऑफ पंचायती अदालत बताना है इसका ये भी फाइव इयर्स होता है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हाउ ऑफ द पंचायती अदालत फॉर्म द कुरम कितने मेंबर्स जो हैं पंचायती अदालत के वो कुरम बनाते हैं ऑप्शंस टू थ्री फोर सिक्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी थ्री मेंबर्स जो हैं उनकी एक कोरम होती है पंचायती अदालत में सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अंडर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फोर हाउ मेनी सीट्स हैव बीन फॉर वुमेन इन द पंचायत बताना है इस एक्ट के तहत कितनी सीट्स हैं जो कि रिजर्व होती हैं पंचायत फॉर वुमेंस ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी वन थर्ड सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं फॉर वुमेन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट टू थाउजेंड इलेवन बताना है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन सी सेक्शन में इंक्लूडेड है जे एंड के पंचायती राज एक्ट टू थाउजेंड इलेवन में ऑप्शन हैं सेक्शन थर्टी वन सेक्शन थर्टी फोर सेक्शन थर्टी सिक्स सेक्शन फोर्टी करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी सेक्शन थर्टी सिक्स में इंक्लूडेड है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है टू बिकम द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द पर्सन शुड हैव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जे एंड के बनने के लिए क्या होना चाहिए होल्ड अ पोस्ट आर रिमेन एन ऑफिसर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होल्ड अ पोस्ट इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द कंट्री नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट कंडक्टिंग इलेक्शन होना चाहिए तभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ डी एंड के आप बन सकते हो सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज बताना है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना है थ्री इयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स या फिर सिक्स ईयर्स तो करेक्ट आंसर है इसका फाइव ईयर्स ऑप्शन सी

डूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इफ इज इंटेंस टू इम्रिजनमेंट ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दवर ऑफ जे एंड के जो है वो रिमूव कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसके ऑफिस से सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर जिसमें फोर्टी क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए पंचायती राज एक्ट से रिलेटेड आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे